सभी आपकी मेज़बान खुशामदीद कहती है बातें रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन में। और हम जा रहे हैं इस वक्त 15 मिनट के बाद मैक्सिमम रोज़ा खुलने वाला है, लेकिन हम हमेशा अपने दस्तरखान को पहले लगा लेते हैं और बहुत अच्छी बात है। और ये वो वक्त होता है जब अल्लाह पाक हमारे बहुत करीब होते हैं और दुआओं का टाइम होता है और इस वक्त कबूलियत की घड़ी बहुत करीब होती है। तो अल्लाह पाक खुद नबी सल्लम फरमाते हैं कि जो दस्तरखान पर जब रिस्क उसके सामने लगता है रोज़े की हालत में, तो हमें अल्लाह से बहुत सारी दुआएं मांगनी चाहिए उन लोगों के लिए सब जो आईसीयू में हैं, और उन लोगों के लिए जो बच्चियां जिनकी अभी शादियां नहीं हुई, वो बे औलाद जोड़े जिनकी कितने कितने साल से औलाद नहीं हुई, उन बच्चों के लिए जो अपने माँ बाप के लिए जो है वो तकलीफ़ का सबब है, उनको अल्लाह नेक हिदायत दे। और उन बच्चियों के लिए जिनके घर उजड़ जाते हैं, उनको तलाक हो जाती है, अल्लाह माफ़ करे। कहते हैं जिस घर में तलाक हो सात घर, इधर हो सात आठ घर, सब अजाब में होते हैं, अल्लाह माफ़ करे। और उन बच्चियों को अल्लाह सब्र दे जिनके शौहर उनके सर पे से उनकी जब इंतकाल हो गया, अल्लाह पाक उनको सलामती दे, उनको सब्र दे और उनके बच्चों को सलामत रखे। और बहुत सारी ऐसी बातें जो दुनिया में देखती हूँ, मेरी बहन भी जानती है सादिया बाजी और मेरी बहन आलिया बाजी, मैं यकीन करें बाजी मैं सच बता रही हूँ, कभी कभी मैं मेरे पास कुछ अल्फाज नहीं होते कुछ कहने के लिए, यूँ कि मैं देखती हूँ कि सगे बहन भाई जब अक्सर हम लोग नाराज़गी में होते हैं और वो लोग इस तरह एक दूसरे से कतई ताल्लुक़ करते हैं जो अल्लाह को सख्त नापसंद है, और फिर वो अपने घर में नजर व न्याज भी कर रहे होते हैं, वो अपने बच्चों को समझते हैं कि बस हमारा एक फ़र्ज़ है बच्चों को खिलाना, बाकी अल्लाह को राज़ी करना कोई ज़रूरी नहीं है, वो तरबियत ज़रूरी नहीं है। वल्लाह आलम मैं मेरे अल्फाज में शायद कोताही हूँ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपसे अब दरख्वास्त करूँगी, ये तो दुनिया की बातें ऐसे ही चलती रहेंगी, लेकिन मैं ये कहूँगी अल्लाह हम सबको नेक हिदायत दे। और मेरी प्यारी बहन आप कुछ, मेरी बहन ने कहा था आप कहें, तो आप बात कीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। और सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि माशाल्लाह जिस तरह की बाबरकत महफिल यहाँ सजी हुई है, बाखुदा ऐसा लग रहा है कि जैसे हम अपने घर में बैठे हुए हैं, घर के दस्तरखान में यहाँ तशरीफ़ फरमाएं। और जिस तरह की मोहब्बत हम लोग आपस में बाँट रहे हैं, तो काश ये मोहब्बत हमारी कौम भी आपस में तकसीम करे, इसी तरह बहनें बहनों के साथ मिलकर रहें, इसी तरह भाई भाइयों के साथ मिलकर रहें, तो क्या अच्छा हो। क्योंकि देखिए हम तो उस घराने के मानने वाले हैं, उस दर से वाबस्ता हैं कि जिस दर से हमें हर तरह की इंसानियत का दर्स दिया गया। अगर देखना यह है कि एक माँ को किस तरह अपनी औलाद की तरबियत करनी है, तो वो जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तरफ देखे कि किस तरह बीबी ने अपनी औलाद की परवरिश फरमाई। कि जनाब फातिमा बिनते असद का जैसे तस्करा हुआ कि बीबी के आगोश में पलने वाले दो बेटे ऐसे कि एक सरदार अंबिया और एक इमामों का सरदार, और दूसरी तरफ अगर हम जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को देखें, तो वो बीबी के जिनकी आगोश में जनाब हसनैन अलैहि सलाम जैसे बेटे पले, जनाब ज़ैनब व उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा जैसी बेटियां पली, तो हमें सीरत जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को देखना चाहिए कि किस तरह इन बीबियों ने अपने घर में किस तरह तरबियत फरमाई है औलाद की। और यही वजह है कि हम इस दर से वाबस्ता होने के बाद भी इसी बात की आरजू करते हैं कि परवरदिगार हम हमारी औलाद में भी तमाम वही बातें मुंतकिल हो जो हम चाहते हैं, कि हमारी औलाद बेहतरीन इताअत करे अपने वालिदैन की, इसलिए कि ये दर हमें वही तो दर्स देता है औलाद की तरबियत का। और जैसे कि माह रमज़ानुल मुबारक है, तो इस हवाले से मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि चूँकि अभी मैंने जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का तस्करा किया, तो देखें बीबी फरमाती हैं कि रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रखना भूख और प्यास का नाम नहीं है। माह रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रखने का मकसद यह है कि इंसान इखलास और तकवा अपने अंदर पैदा कर ले। और जब किसी ने पूछा था ना बीबी से कि बीबी किस तरह इखलास और तकवा पैदा होगा, तो बीबी ने इरशाद फरमाया था जब तक तुम अपने नफ्स को कंट्रोल नहीं करोगे। आपका नफ्स कंट्रोल हो गया तो आप हलाल चीजों से अपने आप को रोक सकेंगी, और जब हलाल चीजों से अपने आप को रोक सकेंगी तो जाहिर हराम चीजों से तो अपने आप को रोक ही सकेंगी। बेशक बेशक,
सातिया बाजी, आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी कि आजकल क्योंकि जाहिर है महफिलें पढ़ती हूँ, तो एक महफिल में कम से कम 500,000 लेडीज़ होती हैं, लेकिन माशा। जब मिलाद ख़त्म होता है तो बड़ी तकलीफ़ से ये बात कह रही हूँ कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि रसूल खुदा आप गैब का इल्म जानते हैं तो बताइए कि कयामत की कोई निशानी, तो वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गैब का इल्म सिर्फ मेरा रब जानता है, मगर मैं तुम्हें एक निशानी दे दूँ कि जब माओं की औकात घर में नौकरानी के बराबर होगी। तो आज जब महफिल ख़त्म होती, यकीन करें दुआ के वक्त मेरे पास बूढ़ी बुजुर्ग औरतें आती हैं और वो रोती हैं आके और ये कहती हैं कि मेरी बहू ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरे बेटे ने निकाल दिया, मेरी बेटी ने निकाल दिया। मुझे सुन के बड़ी तकलीफ़ होती, बड़ी हैरत होती है। तो बताएं जब ऐसी औलादें होंगी तो फिर आगे ये सिलसिला कैसे चलेगा? हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते, माजरत के साथ ये बात कर रहे हैं। हम मोहम्मद को मानते हैं, उनकी नहीं मानते, अहले बैत को सिर्फ हम जबान से मानते हैं, दिल हमारे मोमिन नहीं है। जब जनाब सैयदा फातिमा जैसी माएं होंगी ना, तो हसन हुसैन जैसे बेटे भी होंगे, बेशक बहुत वैसी औलादे भी होंगी मोहब्बत करने वाली। हम उनके पैरों की खाक के बराबर नहीं है, बिल्कुल नहीं, हम उनके गली के कुत्ते बराबर भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्या हम उनकी कोई एक अहकामात की पैरवी नहीं कर सकते? मैं खास तौर पे बेटियां यहाँ बैठी हैं, बहुत सारे लोग हमारे प्रोग्राम को माशाल्लाह देख रहे हैं, तो मैं उनसे भी कहूँगी कि हम जनाब सैयदा फातिमा के चाहने मानने वाले बज़ाहिर बनते हैं, काश खुदारा के दिल से अकीदत से उनको माने, उनके अहकामात की पैरवी करें। जब माएँ सारा दिन मोबाइल में लगी रहेंगी, इतना बुरा, इतना भयानक दौर है सोशल मीडिया का, सारा दिन बच्चे गफलतों का शिकार है, बहुत कुछ है, आप सब समझते हैं, क्लिक पे कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। तो खुदारा कोशिश करें जनाब सैयदा फातिमा की तालीम को पढ़ें, उनके जो उनके अमाल हैं, जो उनके इबादतें हैं, और जिस तरह से उनके लिबास, उनका ओढ़ना पहनना, बहुत आगे तक मैं तो कुछ भी बयान नहीं कर रही, वो तो मंबा है पूरा पूरा। और काश के उनके सदक़े में अल्लाह ताला आज की बेटी को, आज की माओ को अल्लाह पाक हिदायत दे, मुझ समेत हम सबको, अल्लाह ताला हमें वाकई सैयदा पाक के सदक़े में हमें वो माएँ बनाए कि फिर हमारे घरों में हसन हुसैन के सदक़े में वैसे बच्चे पैदा हों, नेक हिदायत वाले, नेक उकार। अल्लाह ताला बस यही दुआ है आज के दस्तरखान पर, क्योंकि कहते हैं ना कि बंदे और रब के बीच में पर्दा नहीं रहता, जब रोज़े का वक्त करीब होता है, सभी ने भी ये बात की तो उसी के देखते हुए, बस अल्लाह ताला हमें ऐसी माएँ बनाए, ऐसी बेटियां बनाए। और जिन बेटियों के घर अभी आपने ज़िक्र किया कि उजड़ चुके हैं, बहुत सारी बच्चियां, क्योंकि जैसे जैसे तालीम को मैं देख रही हूं कि बहुत बढ़ रही है, वैसे वैसे तलाकें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, शायद हम में सब्र नहीं है। और वही बात आपकी मैं कोट करूँगी आलिया, कि रमज़ान हमें सब्रों का नाथ सिखाता है। अभी हम जब आ रहे थे तो आपके चैनल की गाड़ी मुझे लेने आई, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि मैं अपने घर से नीचे उतरी तो पीछे कार वाला मुसलसल हॉर्न दे रहा था, मुसलसल। उसने ये नहीं देखा कि लेडीज बैठ रही है, मेरा एक पाँव गाड़ी पे था और एक नीचे, तो ड्राइवर को पता नहीं चला, उन्होंने गाड़ी चला दी और मैं बहुत बुरा नीचे गिरी हूँ, बहुत बुरा, चलती हुई गाड़ी से मैं नीचे गिरी हूँ, ये सनी प्लस लगी हुई है। इसका मतलब ये मैं अपनी तकलीफ नहीं दिखा रही, मैं ये बता रही हूँ कि रमजान में भी अगर आपके अंदर सब्र नहीं है, रोजा रखकर भी अगर आपको हिदायत नहीं है, तो आप तो नाम के मुसलमान हो ना, आम दिनों में क्या हाल होगा, आम दिनों में क्या हाल होगा। अरे और कुछ छोड़े, अभी महंगाई देखिएगा ना कैसे, मैं कहती हूँ उरूज पर आ चुकी है, गरीब आदमी फ्रूट नहीं खा सकता, वो देख भी नहीं सकता। अल्लाह माफ करे, पता नहीं हम क्या मुंह लेके, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे लिए गिरिया करते थे, इतना रोते थे कि अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे बाजी, वो यही एक ही दुआ करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी और कोई भी इल्तिजा नहीं थी, हमें ये चाहिए, हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक मुझे ये दे दे, मुझे औलाद दे दे, मुझे जमीन और ख़जाना दे दे, मुझे इज्जत दे दे, मुझे दौलत दे दे दे। और जिसके पास दुनिया के खजाने, वो एक लफ्ज़ कह दे ना तो क्या कुछ नहीं उनको मिल जाए, उन्होंने फिर भी कहा कि मेरी उम्मत को बेशक, बेशक आपकी बात को आगे लेके चलूंगी कि चौथे रमजान की निस्बत से बात हो रही थी कि जनाब सैयदा मौला अली मुश्किल कुशा हसन हुसैन दस्तरखान पे बैठे रोजा खोल रहे थे, तो सिर्फ चार रोटियां थी, तो बीबी ने एक रोटी आधी खाकर आधी लपेट ली और एकदम से मौला अली ने पूछा कि क्या बात है फातिमा, तुमने आधी रोटी खाई और आधी रख ली, तो आपने फरमाया कि मेरे बाबा 4 दिन से भूखे हैं, चार के लिए कोई दस्तरखान की कमी नहीं, जबकि वो कायनात के खालिक को मालिक है, बादशाह है, जिस पर अल्लाह आशिक हो जाए तो वो तो हुक्म करें कायनात का जर्रा जर्रा उनके कदमों में आ जाए, लेकिन हमारे लिए
इस गुनाहगार उम्मत के लिए मेरे अल्लाह ने उनको आजमाया और वो पूरे उतरे। तो चार दिन मेरे मौला मेरे आका बगैर खाए पिए रोज़ा रख रहे हैं। तो बीबी उनके लिए रोटी लेकर जाती है और रसूल खुदा फरमाते हैं, फातिमा अच्छा किया तुम आधी रोटी ले आई, वरना आज चौथा रोज़ा भी बगैर खाए पिए मैं रखता। तो हम कैसे मुसलमान हैं, हमारे दस्तरखान भरे हैं, नेमतें हैं, रहमतें हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारी जबान से शुक्र नहीं उस रब के लिए निकलता, शुक्र नहीं है। एक एक सांस के हम मोहताज हैं। आपकी ये जो पलक झपक रही है, अगर ये ना झपके तो शायद हम स्टिल एक जगह बुत बने बैठे रहें। एक एक नेमत का शुक्र अदा करें। आज इस दस्तरखान से विनस चैनल की ट्रांसमिशन का मैं शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने मुझे इतना मौका दिया बोलने का, वरना हर चैनल पे हम सिर्फ जाते हैं एक मेहमान के तौर पे, नाथवानी की और आ गए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह ताला आपकी टीम को बहुत बहुत इज्जतों से नवाजे, रहमतों से, और आपके चैनल को बहुत बड़ा चैनल बनाए। और ये बड़ा ही चैनल है, जहाँ जिक्र अहले बैत होता है वो जगह बहुत बड़ी होती है, वो छोटी जगह नहीं है, जन्नत का टुकड़ा बन जाता है। फरमाया कि जहाँ पर जिक्र अहले बैत हो रहा हो वो जगह जन्नत का टुकड़ा बन जाता है। ऐसा ही है, जिस अहले बैत के साथ हम बैठ जाए फिर तो फिर सुभान अल्लाह, फिर तो क्या मुकाम होगा उस दस्तरखान का। सैयदा फातिमा बिनत असद का जिक्र किया आज हमने, और मैं अपने रब से मैं माफ़ी चाहूँगी कि अगर हमारी किसी बहन के अल्फाज में कुछ गलती हो गई हो तो अल्लाह पाक हमें माफ़ करे। और मेरे जितने नाज़रीन जो इस वक्त ट्रांसमिशन देख रहे हैं, और अगर हमारे से कुछ ऐसे लफ्ज़ जो शायद हमारी, क्योंकि हम एक दूसरे से जो बात पहुँचाते हैं, और अगर कुछ गलती हो जाए तो मैं उन जो, क्योंकि जो बहुत मोहब्बत मोहब्बत करते हैं ना अपने मोहम्मद आले मोहब्बत पे, तो उन वो बड़ा ज़रा सा महसूस करते हैं कि कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। तो हम इंसान हैं, जब हम माफ़ी मांगते खता के और हमसे गलती हो सकती है, तो इसीलिए पहले से ही हम माफ़ी चाहते हैं। और माफ़ी मांगने वाला इतना बड़ा नहीं, जो माफ़ करने वाला तो बहुत बड़ा होता है। तो ये भी माफ़ी दें, और जिन जिनसे आप नाराज़ हैं उनको भी माफ़ करें, ताकि आपकी दुआएँ अल्लाह पाक जल्द से जल्द कबूल करें। तभी तो अल्लाह को इस्तग़फ़ार पसंद है, उसे दुआ करना पसंद है, उसे दुरूद आले मोहम्मद पे दुरूद भेजना बहुत पसंद है। मेरी बहन आप दुआ कीजिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3-4 मिनट रह गए। तो सादिया बाजी बिस्मिल्लाह कीजिए। बिल्कुल, जिक्र अहले बैत है तो जनाब सैयदा की बारगाह में दुआ पेश करेंगे कि मौला अपने बच्चों के सदके में भी हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। मैं फकीर हूँ तुम्हारा या सैयदा ज़हरा, तेरे टुकड़ों पे गुजारा या सैयदा ज़हरा, ज़हरा या सैयदा ज़हरा, मैं फकीर हूँ तुम्हारा या सैयदा ज़हरा, मेरी रंजो गम मिटा दो, मेरी मुश्किल मुश्किलें ना ठहरे, बीबी मेरे रास्ते में आकर कभी मुश्किलें ना ठहरे, तुम्हें जब जहां पुकारा या सैयदा ज़हरा, ज़हरा या
سیدہ زہرا اور لخت جگر تمہارے